सभी हनुमान भक्त बजरंग बली की पूजा और हनुमान चालीसा की ताकत को अच्छी तरह जानते समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालु हनुमान जी को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करवाने और उनके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाने की सही तकनीक नहीं जानते हैं। इस सटीक विधि का रहस्य हनुमान चालीसा में नहीं बल्कि रामायण में छिपा हुआ है, जिसे अपनाकर हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पर पाई जा सकती है, वह भी बिना किसी पेचीदा विधि विधान और खर्चे के। जो दुर्लभ और गुप्त विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही सरल है, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए अपनी मन की मुराद पूरी करवाने के लिए तीन बातें जरूरी हैं। पहला, हनुमान जी और उनकी शक्ति में आपकी पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पूजा करते हैं या आप उनके नए भक्त हैं अथवा बहुत पुराने। दूसरा, आपकी मनोकामना असंभव या बेतुकी न हो, यानी व्यावहारिक हो। और तीसरा, आपकी इच्छा पूरी होने से किसी अन्य का किसी भी तरह से कोई नुकसान या अहित नहीं होता हो। अब वह तकनीक या विधि सुन लीजिए। आप पहले से ही हनुमान जी की पूजा, आराधना, भजन, आरती जब जैसे जहां जितनी भी करते हैं वह वैसे ही अपने तरीके से करते रहिए। अपनी पूजा के बाद कुछ मिनट के लिए आपको स्थिर चित्त होकर आँखें बंद किए हुए मन को एकाग्र करके ध्यान जैसी अवस्था में बैठना है। 1-1.5 मिनट ध्यान स्थिर करने के बाद आपको हनुमान जी के बलशाली और विशालकाय स्वरूप का ध्यान करना है। फिर मुंह से बिना कुछ बोले मन ही मन उन्हें प्रणाम करके उनसे सीधे बातचीत करनी है। अपने शब्दों और अपनी स्वाभाविक भाषा में अपनी प्रार्थना और अभिलाषा उनसे कहनी है। साथ ही कुछ इस तरह की बातें उनसे अवश्य कहनी हैं कि आप तो इतने शक्तिशाली, विद्वान, बुद्धिमान और अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। आपने इतने बड़े बड़े असंभव कार्यों को मिनटों में कर दिखाया है, चाहे तो उदाहरण भी दे सकते हैं। इसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी इच्छा पूरी करना तो उनके लिए क्षण भर का काम है। उन्हें श्रद्धापूर्वक उलाहना भी देना है कि आपके जैसे बलशाली और अनोखे इष्ट देव के रहते आपके इस भक्त की यह स्थिति है, यह दुर्गति है अथवा उसे यह कष्ट है। इसके बाद आप बजरंग बली की प्रतिक्रिया या जवाब मन ही मन चल रही इस बातचीत के दौरान सुनने का प्रयास करें। इसी संवाद के दौरान अंत में उनको प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करना है, लेकिन अभी उठना नहीं है। अब आपको इसी ध्यान की अवस्था में मन ही मन उन परिस्थितियों की कल्पना यानी चित्रण करना है जो आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद होती। उस समय आपको कैसा महसूस होता, आपकी स्थिति बदलकर कैसी हो जाती, उस समय परिचितों परिजनों की प्रतिक्रिया कैसी रहती, यानी आपके हिसाब से बदलाव के बाद की जो स्थिति होती उसी को महसूस करना है। कुल मिलाकर 5-6 मिनट की यह विधि एक विजुअलाइजेशन या चित्रण है। शुरू में अस्पष्टता रहेगी, लेकिन कुछ दिनों में ही सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई देने और महसूस होने लगेगा। आपका यह समझ लेना जरूरी है कि रामायण में कई पंक्तियां ऐसी हैं जिनमें बजरंग बली को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया गया है। एक उदाहरण देखिए, कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, काचुप साधी रहेहु बलवाना। इसी भाव को समझना और अपनाना जरूरी है। जब आप अपनी आराधना के साथ साथ हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाएंगे वे तत्काल सक्रिय होंगे। अब आप हनुमान चालीसा का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लें। अगली बार आप जब भी इसका पाठ करें इसकी पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दर्जनों पंक्तियां आप ऐसी पाएंगे जिनमें हनुमान जी को उनकी चमत्कारी शक्तियों की याद दिलाई गई है, वह भी बार बार। यानी हनुमान चालीसा का पाठ खुद में रामायण की इस तकनीक पर आधारित है और इसीलिए यह सिद्ध मंत्र से भी बढ़कर असरकारी है। यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह विधि अपनाते हैं तो जल्दी ही आपको विलक्षण अनुभव होने लगेंगे। कोई भी ताकत आपकी मनोकामना को फलीभूत होने से रोक नहीं सकेगी।